वेलकम बैक एवरीवन टू हेमलैंड्स। तो हेमलैंड्स के अंदर गड़बड़ों का सिलसिला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, बट लास्ट एपिसोड में हम लोग उन गड़बड़ों को ठीक करने के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए थे, बिकॉज हम लोग मेनली इस वक्त हेमलैंड्स के अंदर ठीक करनी अपनी टाइमलाइंस, और टाइमलाइंस को ठीक करने के लिए हम लोगों को लास्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा रेयर डायमंड की जरूरत थी, जो कि ये वाला लाल कलर का डायमंड। एंड बहुत ज्यादा मारामारी करने के बाद, बहुत अलग अलग लोगों के साथ मारामारी करने के बाद, फाइनली इस बहुत बड़े लावा पिट के अंदर जाकर मैंने इस लाल डायमंड को खोजा था। और इस लाल डायमंड को खोजने के बाद गाइस होता है हमारे साथ सबसे बड़ा हादसा। हम लोगों के सामने आता है फलाना जी और साथ ही साथ किलविश, और किलविश वहां पे गाइस वन शॉट ट्राइडेंट का मारता है मेरे ऊपर और मेरा खेल ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। एंड अब गाइस मेरे साथ क्या होगा मुझे नो आइडिया। मैं स्पॉन होऊंगा हेमलैंड्स के अंदर, नहीं होऊंगा, आई हैव नो आइडिया। और ये गाइस हम लोगों के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है, बट तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है, बिकॉज तुम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट जारी रहेगा। सो इफ यू गाइस एक्साइटेड लीव अ लाइक। इस वीडियो को लाइक में 300K लाइक्स। एंड गाइस चैनल पे अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। ओ माय गॉड, मैं मर चुका हूं यहां पे। वेट, अब मैं कहां पे रिस्पॉन होऊंगा? आई हैव नो आइडिया। What? Whoa! Bro! एक सेकंड। First of all, guys, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, जब हम लोग हिमलैंड्स के अंदर मरते हैं ना, तो अजीब सी ट्रांजिशन जैसी आती है, जहाँ पर बहुत सारी बायोम्स हमको दिखती हैं, एंड देन हम लोग यहाँ पे ना किसी रैंडम सी जगह पर स्पॉन हो जाते हैं। बट अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रांजिशन भी यहाँ पर नहीं आई, एंड सेकेंड ऑफ ऑल मुझे एक वन ब्लॉक के ऊपर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। No ways, dude. ये ना कुछ बहुत ही अजीब सी बात है। क्या मैं मरा हूँ एक्चुअली में हिमलैंड्स के अंदर, या फिर वो जस्ट एक इल्यूजन था, या तो फिर कुछ और ही गड़बड़ हो चुकी है भाई मेरे साथ। Bro, this is so confusing. लेकिन गाइस एक चीज की गारंटी तो पक्का है, मिस्टर फलाना जी ने मेरे साथ यहाँ पे स्कैम कर दिया। तुम लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में जब मैं उस थर्ड डायमेंशन के अंदर फंसा था, वहां से बाहर निकलने के लिए उस बंदे ने कितना तगड़े तरीके से मेरा यहाँ पे विश्वास जीता था, और अब देखो भाई बंदे ने क्या स्कैम किया। ओ माय गॉड, लिटरली भाई किलविश तक को लेकर आ गया मुझे मारने के लिए। वो बंदा इतना ज्यादा ईवी ले भाई ये। ओ माय गॉड भाई, मैं कहां पर इस वक्त? प्लीज मुझे बाहर निकालो। एसडीओ भाई, मेरी आवाज आ रही तेरे को ड्रीम बॉय? मेरे दोस्तों के अंदर मेरी आवाज जा भी नहीं रही होगी गाइस अभी यहाँ पे। बट स्टिल गाइस मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं मरा हूँ अभी तक, या फिर मैं नहीं मरा हूं हिमलैंड्स के अंदर। ओह माय गॉड, मुझे इस चीज का पता तो लगाना पड़ेगा, बट कैसे लगाऊंगा मैं इस चीज का पता यार अभी। काश मैंने अभी और इस वक्त देख पाता कि वहां पर हो क्या रहा है एक्चुअली, एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त। अगर मैं वो चीज कैसे भी करके देख पाता ना, तो बेस्ट हो जाता यार। वेट 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 गाइस, मुझे ना एक चीज याद आई है। ओके, मैंने गाइस अभी यहाँ पे ना एक चीज कर सकता हूँ। तुम लोगों को याद होगा गाइस होगा लाले की दाई माँ के पास, जब मैं और फलाना जी गए थे, उस टाइम पे उसने मुझे कन्विंस कर दिया था फलाना जी ने कि वो मेरा दोस्त है। तो जब मैं और फलाना जी होगा लाले की दाई माँ के पास गए थे, हम लोगों ने बहुत तगड़ा वाला एडवेंचर भी किया था, तो इन दी एंड होगा लाले की दाई माँ से गाइस हमारी बात हो रही थी। तो तुम लोगों को पता है होगा लाले की दाई माँ को ना हमेशा से मिस्टर फलाना जी के ऊपर शक था। तो उसने ना गाइस मुझे कुछ विस्पर करके नीचे कुछ यहाँ पे मैसेज लिखे थे। वो लिखे थे कि स्मार्टी तुझे जब भी मेरी जरूरत होगी ना, मुझे तू बस याद कर दियो, मैं तेरी मदद करने के लिए आ जाऊंगी। बट गाइस उसने ना मुझे वहां पे विस्पर करके एक और बात बोली थी, वो ये थी कि मैं तेरी मदद तो कर सकती हूँ तुझे जहां पर भी होगा पूरे हेमलैंड्स के ब्रह्मांड के अंदर, बट मैं कुछ इस टाइप की मदद कर सकती हूँ जो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि लाइक कोई मर गया तो उसको जिंदा कर दू, इस टाइप की मदद वो नहीं कर सकती, जो पॉसिबल हो सकती है। एंड आई थिंक यहाँ पर गाइस मैं अभी यहाँ पर पता लगा सकता हूँ कि क्या मैं एक्चुअली में मरा हूँ कि नहीं मरा हूँ होगा लाले की दाई माँ के दम पे। इतनी मदद वो मेरी कर सकती है। तो उसने मेरे को बोला था कि मेरे को बस तीन बार उस बंदी को याद करना है होगा लाले की दाई माँ को, और वो मेरी मदद गाइस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो एक विच है और बहुत ही पहुंची हुई विच है भाई, उसके पास बहुत ज्यादा सुपर पावर्स है। तो उसने मेरे को बोला था कि मैं अगर उसको तीन बार याद करूंगा ना, तो वो मेरी मदद करने के लिए आ जाएगी। तो मैं उसको अभी और इस वक्त यहाँ पे याद करने वाला, ठीक है ना। जय होगा लाला की दाई माँ, होगा लाला की दाई माँ, होगा लाला की दाई माँ, प्लीज मेरी मदद कर ले। मुझे बस इतना पता करना है कि क्या मैं एक्चुअली हेमलैंड्स के अंदर मरा हूं कि नहीं मरा हूं। अगर मुझे बस इतना सा पता लग गया ना भाई, मेरी जिंदगी सवर जाएगी। अभी मैं फिर आगे के स्टेप्स अच्छे तरीके से ले सकता हूँ। प्लीज मेरी मदद कर ले, कि तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो। होगा लाला की दाई माँ प्लीज, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? What? मेरी स्क्रीन पर देखो गाइस, ब्रो यहाँ पर इतना ज्यादा धुआं वगैरह कहां से आना स्टार्ट हो गया ब्रो? ओ माय गॉड, वेट अ सेकंड गाइस, इस धुएं के पीछे मुझे कुछ दिख रहा है। अरे धुएं के पीछे मुझे कुछ, अरे हटा इस धुएं को, अरे दाई माँ धुएं को हट। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्मार्टी हेल्प ब्रो, स्मार्टी सच में मर गया ड्रीम बॉय। इस जो भाई ये मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा, इसके भी हार्ट शैटर हो गए होंगे, पर अभी चार लोग कहां से लाएंगे हम लोग? माय गॉड,
ये प्रोफेसर क्या कर रहा है भाई, फूल वूल डाल रहा है मेरी लाश के ऊपर ये बंदा। गाइस मैं एक्चुअली मर गया हूँ भाई यहाँ पे। हेलो, ठीक है, होगा लगता है मेरे को यकीन हो चुका है, हो चुका है मेरे को यकीन यार। ऑलराइट गाइस, धुआं आ गया, जाना स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। एंड यस, धुआं गायब हो गया। ओ माय गॉड गाइस, मैं एक्चुअली मरा हूँ। लेकिन मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आई गाइस, अभी तक समझ में नहीं आई मेरे को एक चीज, वो ये है कि अगर मैं हिमलैंड्स के अंदर मरा हूँ तो हमारे मरने का एक पैटर्न है भाई हिमलैंड्स के अंदर, वो चीज अभी तक क्यों नहीं हुई है यहाँ पर। और मैं कहाँ पर आ गया, मैं छलांग मारू क्या यहाँ से नीचे? मुझे तो अभी यहाँ पे डर लग रहा है। मारू छलांग गाइस, बोलो तुम लोग। अगर तुम लोग इस वीडियो पे लाइक मारोगे ना तो मैं अभी यहाँ पे छलांग मार के नीचे चले जाने वाला हूँ, देखी जाएगी भाई। ये क्या सीन हुआ? यहाँ पर मैंने एक सेकंड, मुझे यहाँ पे क्रीपर था वो कि कौन था, वो तो मेरी शक्ल पहन के था बंदा। What the hell is this bro? ये चांद को क्या हो गया इस वर्ल्ड के? Oh my god! And guys, भाई मैं तुम लोगों से पहले बोल रहा था ना कि अभी तक वो ट्रांजिशन जैसी नहीं है, बिकॉज हिमलैंड से मरने के बाद हमारी वो अजीब सी ट्रांजिशन जाते हैं, उसके बाद हम लोग पता नहीं कहाँ पे स्पॉन होते हैं। आई जस्ट सॉ दैट मैन, अबे उस मकड़ी ने भी मेरी स्किन पहनी हुई है। वेट अ सेकंड ब्रो, डोंट टेल मी वो ज़ॉम्बी भी मेरी तरह है वहाँ पे। ओके आई थिंक गाइस मैं समझ गया पर क्या सीन हो रहा है। वो देखो वहाँ पे उस क्रीपर ने मेरी ये स्किन पहनी हुई है। गाइस ये इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर स्पॉन हो चुके हम लोग। यार इससे बढ़ते मुझे डार्क हिमलैंड्स के अंदर स्पॉन कर देते वो ज्यादा बढ़िया होता भाई। इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर स्पॉन हो गया हूं मैं अभी। मुझे ना ड्रीम बॉय ने बहुत पहले बताया था कि वो भी इसी टाइप के एक मल्टीवर्स के अंदर स्पॉन हो गया था। गाइस ये टाइमलाइन की गड़बड़ों की वजह से ना कुछ भी हो रहा है यहाँ पे सही में। ओ माय गॉड, नीचे देखो वहां पे कितने सारे स्पार्टी पेन। ओके ब्रो, गाइस हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, बिकॉज इस जगह से बाहर कैसे निकलूंगा। मेरी सबसे बड़ी सिरदर्दी अभी वो टाइमलाइंस वगैरह ठीक करने की थी, फलाना जी ने जो मेरा स्कैम किया ना भैया। अरे यार हर जगह पे स्पार्टी पाए दिख रहे हैं मेरे को, और ये सारे ज़ॉम्बीज ही है। इनकी आवाज सुनो तुम लोग यहाँ पे, ये सारे ज़ॉम्बीज है। व्हाट, कितना अजीब लग रहा है भाई, मैं ही अपने पीछे पड़ा हूँ खुद को मारने के लिए। नहीं यार ये चीज देखने से पहले भाई भगवान मुझे उठा ही लेता यार, क्या हो रहा है ये। मुझे कहता है एक चीज करनी पड़ेगी, एटलीस्ट अपने पास बहुत सारे ब्लॉक्स निकाल के रखता हूँ। स्केलेटन मार रहा है मेरे को, नो 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 प्लीज प्लीज प्लीज, खाने का सामान नहीं मेरे पास, खाने का सामान नहीं मेरे पास ब्रो। मैं भी गाइस यहां पर ना बहुत सारे ब्लॉक्स निकालने वाला हूं। ओके ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, जितने ज्यादा ब्लॉक्स मेरे पास होंगे ना स्केलेटन के बगैर। व्हाट व्हाट, ओ नो, ये मेरे पीछे, नो वे डूड, मुझे वहां पे तीन स्पॉटी पर दिखे मेरे पीछे भागते। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये है कौन है, ये वही लास्ट एपिसोड की तरह वो स्केलेटन तो नहीं है भाई। इस वर्ल्ड के स्केलेटन भी हम लोगों को मारना स्टार्ट कर चुके हैं, लिटरली भाग भाग के मारे थे लास्ट एपिसोड में भी। वेट 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 वेट, क्या सीन है भाई ये? अरे भाई इन लोगों के तो नेम टैग भी है स्पार्टी पाए, तीनों के सेम नाम कैसे हो सकते हैं? हेलो, ओ माय गॉड, नो वे डूड, भाई ये क्या हो रहा है, ये मेरी हेल्थ जा रही है, मैं मरने वाला हूं भाई, ये ज़ॉम्बीज मार देंगे मेरे को। ओ माय गॉड, मैं गलत जगह फंस चुका हूं, और यहां का तो चांद भी मेरी तरह भाई देखने के लिए। ओके गाइस ये ना इल्यूजन वाला वर्ल्ड है, मुझे ड्रीम बॉय ने बहुत पहले बताया था इस इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर इतने गंदे वाले इल्यूजन है कि भाई हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, हमें बस यहाँ पे घबराना नहीं है, ये जस्ट एक इल्यूजन है, ये जस्ट एक इल्यूजन है। ऑलराइट भाग, फॉल डैमेज, भाई मेरे पास बिल्कुल हेल्थ नहीं है, मेरे को यहाँ से बस भागना पड़ेगा इन लोगों से। ओह माय गॉड, आगे भाई ये लोग, ब्रो मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ओ माय गॉड, कोई तो मदद करने हो गाइस, अगर मैं अब यहाँ पर मरता हूँ ना दूसरी बार तो मैं पता नहीं कहाँ पे स्पॉन हो जाऊंगा, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होने वाली मेरे लिए। भाग जल्दी जल्दी, ओ माय गॉड मैं मरने वाला दोबारा से। क्रीपर है सामने, स्पॉटी बॉय आपका क्रीपर भाग, पिछवाड़े का ना पटियो भाई प्लीज। ओ माय गॉड भाई मैं क्या ही बुरे तरीके से, नो नो नो, ये पापल मार क्या रे भाई। ओ माय गॉड आई एम नॉट ब्रो, ब्रो कोई तो आ जा मेरे को बचाओ। नो 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 नो, क्रीपर है, क्रीपर है, क्रीपर है। ओ नो वे डूड, निकल यहां से जल्दी जल्दी चल। Oh my God! अरे भाई yes! Oh भाई साहब! भागो जल्दी जल्दी भागो भैया! मैं बच गया अभी, मैं half heart में, मुझे खाना चाहिए होगा मेरे को यहाँ पे। चल 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 निकल स्पार्टी, come on! Oh my God! भाई मुझे यहाँ पे अपने लेना at least कुछ tools वगैरह बनाने पड़ेंगे fight back करने के लिए। I'm not even joking man. मेरी यहाँ पे ना, Oh my God! बंदे आ गए यहाँ पे। No 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 please 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 guys, मेरे यहाँ पे लगने वाले हैं। ये दोनों मेरे को यहाँ पे लिटरली मेरा मैनहंट चल रहा है, ये मैनहंट वाली सिचुएशन में आ गया हूँ मैं। ओ माय गॉड, थोड़ा नीचे स्मार्टी, थोड़ा और नीचे चल। ओके दोनों के दोनों बंदे आगे के लिए जा रहे, प्लीज पीछे मत घूमिए।
चले गए, निकल, ऐसे मैं वापस को जा रहा हूँ उधर के लिए जिधर हो कि अभी अभी आए हैं उधर हो कि वापस से दोबारा चेक नहीं करने वाले। ओ माय गॉड, स्केलेटन मुझे मार रहा है भाई, मेरे लग गए यहाँ पे, जिंदगी के लग गए मेरे, मेरे जिंदगी के यहाँ पे लग चुके हैं अभी। आई थिंक मुझे ना यहाँ से ऊपर के लिए जाना चाहिए, ठीक है ना। एंड यहाँ पे वेट क्या है, ओह यस, गोल्डन एप्पल मिला मेरे को, खाना खा जल्दी जल्दी भाई प्लीज। माई गॉड, मेरी किस्मत भगवान, थैंक यू सो मच। ओ माई गॉड, हाफ आवर से मैं बच गया हूँ यहाँ पे भाई। एक और चेस्ट मिली है मेरे को, डायमंड मिले मेरे को यहाँ पे। ओके, बेस्ट हो गया भाई ये तो, एक और गोल्डन एप्पल मिला और डायमंड मिले मेरे को दो। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, तलवार बना सकता हूँ एटलीस्ट। लेट्स डू वन थिंग गाइस, मैं फटाफट यहाँ पर अपने लिए एटलीस्ट एक तलवार बना के रख देता हूँ। गाइस भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन। ये बन गया और मैं अपने पास अब यहाँ पे एटलीस्ट तलवार के साथ इनके ऊपर थोड़ी सी दादागिरी झाड़ सकता हूँ। लेट्स गो, ओ माय गॉड, कमन, जितने ज्यादा गाइस मेरे यहाँ पे अभी ब्लॉक्स वगैरह हो सकते उतना मेरे लिए। आ गए बंदे, नो वे डूड, आ जा ऊपर, आ बच चुरात, ऊपर आ तू। यार मुझे लगा मेरे को नीचे गिरा दूंगा। कमन, भाग जा मेरे बेटे, पकड़ के दिखाओ मेरे को, तुम लोग अभी मान जाऊंगा। वैसे मेरे पास खाने का सामान है गाइस थोड़ा सा, कमन भाग। ओह माय गॉड भाई, नहीं मैं बस यहां पे मैं गलत चला गया यहां पे। आई एम डेड। चल, व्हाट, ये कौन है ब्रो, ये कौन था यहां पे, एक सेकंड, अरे यार मैं फंस रहा हूँ एक तो यहाँ पे भाई, ये क्या जगह है, मेरे को खाना पड़ेगा एक बारी। कौन है ये? What? I swear मुझे अभी कोई दिख नहीं रहा, कौन है भाई ये? कौन है ये? Bro ये Queen Jasmine है। I'm not even joking, Queen Jasmine भाग वहाँ से, क्या कर रही है तू? तू यहाँ पे आई कैसे भाई? हेलो, Queen Jasmine मेरी आवाज आ रही तेरे को? Jasmine कहाँ गई भाई ये बंदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसका। जल्दी आ ऊपर के लिए। ओह माय गॉड, मैं से लड़ूंगा अभी कैसे? आ जा ऊपर, भाग ऐसे। ब्रो व्हाट द हेल, तू यहाँ पे कर क्या रही है? आ जा इधर को आ जा। चल ऐसे निकल, ऐसे जल्दी आ जा, कम ऑन। अरे भाई तू यहाँ पे क्या कर रही है, मुझे समझा एक बारी। चल, कम ऑन, इधर को आ जा, कम ऑन, ठीक है ना, इधर को आ जा, भाग ऐसे, इन लोगों से भी बचना पड़ेगा मेरे को, तेरे को, दोनों को। ओह माय गॉड, मैं तो जो बचाऊं भाई अभी यहाँ पे ना बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ना। मुझे खाना दे प्लीज, जल्दी दे। मेरी किस्मत कितनी अच्छी भाई है, मैं हाफ आटे बच रहा हूँ हर बार। भाग, इन लोगों से दूर निकलना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुझसे बात करूंगा। तू यहाँ पर आई कैसे? ये लो सामान ले जाओ स्मार्टी यहाँ से, क्या? ओके तेरे सामान पड़े, जल्दी ले, बहुत जल्दी आगे, नजदीक आगे तेरे, जल्दी, कमान डूड। ओ माय गॉड, निकल यहाँ से, क्वीन जैस्मिन। ओ माय गॉड, चल, थोड़ा तो लड़ूंगा बेटा। अब आ तुम। ओह माय गॉड, मेरी हेल्थ नहीं है। जैस्मिन कहां है तू? ठीक है ना भाई, कहां है तू? ब्रो मैं किधर के लिए चला गया हूं ये? ओके लग चुके भाई क्वीन जैस्मिन के यहां पे। मैं आ रहा हूं तेरे को बचाने के लिए। मैं ठीक हूं। अरे तू ठीक नहीं है, मुझे पता है, तू मेरा दिल रखने के लिए बोल रही। मैं आ रहा हूं, भागती रहे, कंटिन्यूअसली भागती रहे, ठीक है ना। मैं आ रहा हूं बैक साइड से, मैं आ गया, तेरे को बचाऊंगा मैं, रुके थोड़ा, मेरे को हेल्थ यहां पे रीजन करने दे। ओह माय गॉड भाई, तू यहां पे कर क्या रही है क्वीन जैस्मिन, मुझे बता तो सही। ये ना पे ऐसा सेवी रही है मेरी, आजा तू मार मेरे को, तू मारेगा क्या बेटे, तलवार मेरे हाथ में है, शील्ड मेरे पास है, तू मेरा बाल भी बांका नहीं, हाइट में भी बड़ा थोड़ा सा भाई, स्मार्टी वाला। ओके, आई एम डेड, भाग, इनको हम लोग ऐसे नहीं मार सकते ब्रो, कोई बिग ब्रेन स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी हम लोगों को, हम लोगों को यहाँ पे। ओह माय गॉड, मेरे को ब्लॉक स्टेज चाहिए होंगे अभी यहाँ पे। चल, ऊपर के लिए जा, ऊपर के लिए जा, क्वीन जैस्मिन, ऊपर के लिए जा। नो, मैं बच गया, मेरे पास एक तो पर्ल्स नहीं है। मैं आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फास्ट ब्रीजिंग करना चाहता हूँ, पर मेरे को डर लग रहा है, ओके ठीक है, बेस्ट, आंदिन को, आ जा पकड़े, गया ये बंदा, मैं बता दूँ कि गया ये बंदा अभी। ओह माय गॉड, दूसरा वाला आ रहा है, मैं मर गया, बचा मेरे को, लेट्स गो, बहुत बढ़िया, क्वीन जैस्मिन आ जा मेरे पीछे, आ जा, एक को तूने पेल दिया है और अभी देख तू यहाँ पे मैं क्या करने वाला, रुक जा, आ जा मेरे बेटे, अरे तू आ जा, तू किस वर्ल्ड का स्मार्टी पाई बना हुआ है, सामने आ मेरे, आ जा ना, पकड़े,
आजा ना भाई, तू आजा आजा ना गया, बचा देगा कोई जैस्मिन। ओके 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 ब्रो, मारा उसको तूने भाई, ये बच के मारे भाग गया। ओ माय गॉड, रुक जा रुक, इसकी ऐसी की ऐसे नहीं मानेगा बंदा, ऐसे नहीं मानने वाला है बंदा। आ जाना, ये आ ही नहीं पा रहा है। अभी तेरे पिताजी भी तेरे को नहीं बचा सकते हैं, लेट्स गो। यस भाई, थैंक यू सो मच क्वीन जैस्मिन, तू यहाँ पर क्यों आई, तेरे साथ क्या हुआ, तू मर गई होगी शायद, तू भी है ना ब्रो। भाई साहब, अगर तू नहीं आती, तेरे को पता है मेरे सभी क्या कांड हो गया था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं आर्मर के नाम पे, मैं कैसे लड़ता इन तीन बंदों से, एक को तो मैंने मार दिया था लाइक क्लच वगैरह करके, बाकियों को मैं कैसे मारता। भाई तू मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे, तू यहाँ पर कर क्या आ रही है, तू कैसे आई और तेरा सीन क्या है, मतलब पूरा बता मेरे को भाई तू। ऑल राइट गाइस, तो क्वीन जैस्मिन से पूरी की पूरी डिटेल में बात हो चुकी है, इसने मुझे ना बहुत सारी बातें बताई, इसने मेरे को बोला फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही गंदे वाले इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं, इसको मार यार प्लीज, हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही गंदे वाले इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर, एंड इस वर्ल्ड से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है बिकॉज इस वर्ल्ड को एक बंदा चला रहा है गाइस। अब देखो, इसने मुझे बताया कि वो जो बंदा है ना, वो बड़ा डेंजर बंदा है, या तो हम लोग उस बंदे के दम पर बाहर निकल सकते हैं उसको अगर हम लोग अपनी टीम में लेकर आ जाए, या तो फिर उस बंदे को मार कर हम लोग इस वर्ल्ड से बाहर निकल सकते हैं। एंड अब गाइस, जैसे तुम लोग देख सकते हो कि मुझे इस वर्ल्ड के अंदर सारे के सारे जो बंदे हैं, जो भी जानवर वगैरह, वो मेरी शक्ल के दिख रहे हैं, बट यार पीछे ये जो बंदा है ये मुझे मेरी शक्ल का दिख रहा है, बट क्वीन जैस्मिन को ये जो बंदा है इसके क्वीन जैस्मिन वाली स्किन में दिख रहा है। तुम लोग समझे, इतना मायावी वर्ल्ड है कि हर एक बंदे को सारे ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर वगैरह उसी की स्किन पहने हुए दिखने वाले हैं। ये है हम लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली कंफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ इस तरीके से वर्ल्ड, एंड यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल, इसने मुझे बताया। एंड तुम लोग ये मान के चलो गाइस, ये बंदी ना मेरा ही यहाँ पर वेट कर रही थी एक्चुअली में, बिकॉज गाइस जिस तरीके से ये देखो यहाँ पे चिकन भी मेरे जैसे दिख रहे हैं भाई मुझे यहाँ पे। क्वीन जैस्मिन, ये चिकन तुझे तेरी तरह दिख रहे हैं ना भाई, सच बोलियो है ना। ओ माय गॉड यार, तो गाइस मेन बात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से गाइस मुझे वहाँ पर प्रिडिक्शन दिखी थी, याद है तुम लोगों को, कि वी कैन नॉट सेव, लाइक तुम जैसे मैं और मेरे दोस्त वगैरह हिमलैंड को सेव नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर एक बंदे का पोस्टर छपा हुआ था, वो बंदा रीबर्थ लेकर आएगा एंड एस हिमलैंड को बचा सकता है। उसी तरीके से इसको भी एक जस्ट मरने से पहले एक प्रिडिक्शन दिखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि ही विल कम एंड सेव यू, और वहाँ पे ना मेरी फोटो बनी हुई थी भाई, तो ये एक्चुअली मेरा ही यहाँ पर वेट कर रही थी, एंड इसको पता था कि मैं इसको बचाने के लिए आऊंगा, जैसे इसने अपने एक एक्स्ट्रा आर्मर निकाल के रखा हुआ था, काफी ट्रिपी बात है, बट एक्चुअली में ऐसा ही हुआ था। तो अभी इसने मुझे एक बात बता के रखी हुई है कि जितने भी लोग इस वर्ल्ड के अंदर आते हैं ना, लाइक मरने के बाद, एक्चुअली गाइस क्या होता है कि हम लोग अपने हिमलैंड के अंदर जब मरते हैं तो मरने के बाद हम लोग डार्क हिमलैंड के अंदर स्पॉन होते हैं, लेकिन जब से हमारी टाइमलाइंस वगैरह रप्चर हुई है उससे स्पॉनिंग वाला सिस्टम भी हमारा इंटरचेंज हो चुका है, लाइक गड़बड़ हो चुका है। तो तुम लोग ये मान के चलो कई लोग मरने के बाद गाइस इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर स्पॉन होने वाले हैं, और गाइस जितने भी लोग इस वर्ल्ड के अंदर स्पॉन होंगे ना, उन लोगों के ऊपर उस एक बंदे ने जो कि लाइक इस वर्ल्ड को चला रहा है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इल्यूजंस आने वाले हैं, सेकंड ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों को तो वो बंदा अपने महल की जेल के अंदर भी डाल के रखता है। तो इसने मेरे को बोला कि अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा उस बंदे के महल के पास, जो कि बहुत ही अजीब सी जगह इसने ढूंढ के रखी हुई है, और इस तरह गाइस मैंने यहां पे डिस्कस किया हुआ है कि या तो उस बंदे को मार सकते हैं या तो फिर उस बंदे को बंदी बनाकर इस वर्ल्ड से बाहर निकल सकते। तो मैंने तो बोल दिया उसको, भैया हम लोगों के सपंगे लेगा तो मारना तो पड़ेगा उसको, गाइस मुझे उसको मार कर अभी और इस वक्त यहाँ से बाहर निकलना है, बिकॉज मेरे को ना टाइमलाइंस ठीक करनी है, मेरे दोस्त वगैरह फंसे हुए हैं वहाँ पर यार साथ में, वो भी पता नहीं क्या कर रहे होंगे भाई। तो क्वीन जैस्मिन फटाफट उस जगह पर पहुँचते हैं और उस बंदे को ढूंढ कर उसको मारते हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं छोड़ने वाला नहीं उस बंदे को। क्वीन जैस्मिन एक काम करते हैं, फटाफट हम लोग उस बंदे के महल में पहुँचते हैं, मैं ना उसको मार दूंगा, तू देखेगी आज मेरा वो विकराल रूप, हालांकि तू भी बहुत खतरनाक फाइटर है आई नो, बट तू आज मेरा विकराल रूप देखेगी, मैं उसको छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, फाड़ दूंगा उसकी मैं पूरे तरीके से भाई साहब। ऑल राइट गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले वहां पे, देखो ये है पूरा का पूरा वो तगड़े वाला पहाड़, बाय द वे शिमला में इतनी ठंड होगी कि मेरे को जैकेट जुकेट पहनने पड़ेंगे दोबारा से, एंड मुझे लग रहा है वहां पर जाके गाइस बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे क्वीन जैस्मिन ने बोला कि इस बंदे को ना, जो बंदा है जो इस वर्ल्ड को पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा है, उसको गेम्स खेलना बहुत पसंद है, जान मुझ के ऐसे प्रेजेंस के अंदर डालता है जहां पर हिंट्स दिए होते हैं ताकि बंदे बाहर निकले। तुम लोग समझो, आज जो बाहर निकलेगा उसको अपना तगड़ा कॉम्पिटिटर मानकर उसको मारने की ट्राई करता है, लाइक बंदा पूरा दिमाग से खेलता है। ओके, पहुंच के सामने देख, जैस्मिन जल्दी पीछे के ले जल्दी। ब्रो ये क्या है ये? इसने मेरे को बोला दो पहाड़ों के बीच में अजीब सा ब्रिज जैसा बनाया हुआ है, एंड उस ब्रिज के ऊपर उसका कैसल और ऐसी जगह पे छुपा होता है। इसने मेरे को बोला भाई यहाँ पर ना लगभग कितने तीन हफ्ते से तू यहाँ पे, तीन हफ्ते से लेकर यहाँ पर इसको उस यहाँ पे मतलब उसका ठिकाना नहीं मिला, पता नहीं कहाँ पे छुप के वो नाम पे स्पाय कर रहा होता है, इसीलिए मेरे को और तेरे को यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चालू बंदा ये।
ऑल राइट, बट गाइस मैंने सोचा हुआ इसको तो मारना पड़ेगा, इसको मार कर ही मजा आएगा। जो बंदा दिमाग से खेलता है ना उसको मारने में जो मजा है वो भैया कहीं और मजा है नहीं है। क्वीन जैस्मिन साइड होके आजा, ठीक है ना, बिल्कुल साइड साइड होके चल, कोई हमको दे। आ नो, ओ शिट 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 शिट, इसे मुझे देख लिया। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, इसने मैं कांट टिप किया। व्हाट? ओ क्वीन जैस्मिन ये हमको देख रहा था, इसने ना हमारी वो गंदी गेम्स खेलनी दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ये क्या हो रहा है? व्हाट? ओ माय गॉड, ये क्या? व्हाट? खोल इसको, खोल इसको, खोल इसको ब्रो, मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूं। व्हाट द हेल ब्रो? गाइस मैं राइट क्लिक, एक सेकंड रुको, यहाँ पे देखो गाइस मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है, ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है, नहीं खुल रहा है दरवाजा ये वाला। क्वीन जैस्मिन तू ट्राई कर प्लीज, ट्राई कर एक बारी। ओ माय गॉड, नहीं खुल रहा है। ओ शिट मैन, क्या हो गया, ये क्या हो गया ब्रो? वेट, ये क्या लिखा है मुझे सामने? न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सीडेंट की वजह से कौन पैदा हुआ था? ये क्या है, है? क्वीन जैस्मिन क्या है सवाल, इसका मतलब क्या हो गया? ओ माय गॉड, जो तूने मुझे बोला था क्वीन जैस्मिन इससे पहले, याद है? याद आया कुछ? ओ क्वीन जैस्मिन मुझे पता क्या लग रहा है ना, जो तूने मुझे इससे पहले बताया था, याद कर, तूने मुझे इससे पहले बताया था कि इस बंदे को गेम्स खेलना पसंद है गाइस, जान मुझके ट्रैप्स के अंदर डालता है और ऐसे ऐसे फालतू के हिंट्स देता है, और इसने मुझे बताया था कि अगर हम लोग इन हिंट्स को कंप्लीट ना करें तो भाई हम लोगों को मार भी देता है बंदा। न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सीडेंट की वजह से कौन पैदा हुआ था? अरे मुझे क्या पता यार, तू मेरे को बता जरा, कोई पैदा हुआ था क्या तेरे सामने? हैं, मुझे तो कुछ याद, एक सेकंड रुको, क्या हमारे हिमलैंड्स के अंदर कभी न्यूक्लियर रेडिएशन वाला एक्सीडेंट हुआ है? तुझे कुछ आइडिया है क्या? मेरे सामने तो कभी भी नहीं हुआ भाई, मेरे सामने कभी भी नहीं हुआ क्वीन जैस्मिन, सच में। अपना हेलमेट उठा के शक्ल तो दिखा दे कर्पूरी यार, इतना टेंस सिचुएशन में एक सुंदर शक्ल देख के थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा शायद यार। बस ये घड़ी घड़ी क्या, बस तेरी सुंदर शक्ल देख लिया, अब शायद से मेरा दिमाग यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सीडेंट की वजह से कौन? यार मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है कि ड्रीम बॉय और एसजीओ में से किसी एक को पता हो इसके बारे में, मुझे पूरा यकीन है, बट हम लोग उनसे बात कैसे करेंगे? जहाँ देखो मेरी इन्वेंट्री पे ना उस टाइम पे वो था, वो वाला वो स्पेशल कोरस थ्रू जिसके थ्रू हम लोग टाइमलाइन टू टाइमलाइन बात कर सकते थे, बट अब मैं बात कैसे करूँ क्वीन जैस्मिन? मैं थोड़ा फंस चुका हूँ यहाँ पर यार। ओ वेट, मैंने कहा जिससे पहले जस्ट तुम लोगों को बताओगे स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने कहा था होगा लाला की दाई माँ को याद, बिकॉज उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए कहीं भी हेल्प कर सकती है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विच है गाइस, तो अभी मैं उसका स्मरण यहाँ पे कर सकता हूँ, उसको याद मैं कर सकता हूँ, एंड हो सकता है कि वो मेरी बात करा दे अजू से। ऑल राइट, मैं ये करने वाला हूँ गाइस अभी, ठीक है क्वीन जैस्मिन, मैं एक और बार यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ, पक्का मेरी मदद करने वाले होगा लाला की दाई माँ। होगा लाला को बताना कितना बड़ा विलन है, उसकी दाई माँ हमारी साइड है, लिटरली बहुत ज़्यादा नाइस लेडी है वो, तो मैं उनकी वाइस अभी करने वाला हूँ। होगा लाला की दाई माँ, होगा लाला की दाई माँ, होगा लाला की दाई माँ, प्लीज़ अगर आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो इस बारी फिर से, छोटी सी मदद चाहिए मेरे को, बस मेरी एसडीओ से बात करवा दो, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो प्लीज़ मेरी एसडीओ से बात करा दो, चाहे 20 सेकंड के लिए बात करा दो, बस प्लीज़ करवा दो मेरी बात, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। एसडीओ हेलो हेलो हेलो, एसडीओ हेलो, एसडीओ हेलो 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 हेलो, एसडीओ हेलो हेलो हेलो, एसडीओ आवाज़ आ रही है, आवाज आ रही है आपका? हेलो एसडीओ, ए ड्रीम बॉय आपको रात को ये जनता देखो यार, यार देखो आपको मतलब चलना ही नहीं चलना, चलो ना देखो मैं भी तो आपकी मदद करता हूँ यार, अब मेरे को जरूरत है मदद की, समझ रहे हो? तुम रात को जगा हमको भाई, अरे यार वैसे भाई कर दी छोटी बात, अरे चल चल ए ड्रीम बॉय, हेलो आवाज आ रही है जो मेरी आपको? हेलो 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 हेलो, एक मिनट ड्रीम बॉय रुको, क्या हेलो हेलो आवाज आ रही है जो आपको मेरी? व्हाट? हां मुझे आवाज आ रही है आपकी, आवाज सुनाई दे रही, जवाब चाहिए आपसे, जल्दी सुनो मेरी बात, अरे आप जिंदा कैसे हो गए वो तो बताओ, अरे ड्रीम बॉय इसको कुछ सवाल पूछना है आपको, अरे सवाल, अरे भाई क्या नींद में बड़बड़ा रही हो क्या ज्यादा, सॉरी रात को रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, सॉरी ब्रो, अभी जस्ट मार्टी ने मुझे आवाज करके बोला कि रुक जा उसको कुछ तो पूछना है, पूछो पूछो पूछो, मेरे को तो कोई आवाज नहीं आ रही, हेलो एसजी भाई आपकी आवाज, हाँ बोलो ना, कम आ रही है मेरे को, सवाल का जवाब दो जल्दी, न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सीडेंट की वजह से कौन पैदा हुआ था हिमलैंड्स के अंदर? न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सीडेंट की वजह से कौन पैदा हुआ था? ड्रीम बॉय आपने सुना न्यूक्लियर रेडिएशन कौन? अपना वो
जो लुढ़क गए अभी। अरे वो मेरा प्रोफेसर का भाई, दो मिनट, नुबड़ा जी आर यू श्योर ऐसे पक्का वही हुआ था? अरे हाँ भाई, प्रोफेसर ने वो एक्सपेरिमेंट किया था रेडिएशन वाला और वो यूरेनियम फट गया था पूरी तरह से और वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचा है। डन डन, ठीक है, अब मेरी बात सुनो जी, आप लोग कहाँ हो, आप और ड्रीम बॉय कहाँ हो अभी? हम अभी एक्चुअली एक सीरियस मिशन के लिए जा रहे हैं यार, ड्रीम बॉय के जाने मन। मेरी बात सुनो, उस मिशन पे जहाँ रहने दो, वापस आओ हिमलैंड से, मैं वापस आ रहा हूँ थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। ड्रीम बॉय को कैसे समझाऊँ ये? एसडीओ आप इसको समझाओ जैसे भी समझा सकते हो, पर मैं वापस आ रहा हूँ थोड़ी देर में, कम ऑन, मिलना है मुझे आप लोगों ने। अरे पर आप, मैं बता दूं, आप हो कहाँ पे? हेलो अबे यार, इसका आवाज ड्रीम बॉय भाई, जस्ट अभी मुझे स्मार्टी का आवाज सुने, आपको सुनाई नहीं दे रहा था पक्का? अरे स्मार्टी भाई की कैसे आवाज आ सकती है, स्मार्टी भाई तो वहां पे है ना, मुझे आवाज से बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। हम लोगों को ये अबॉर्ट करना पड़ेगा, जस्ट अभी के लिए मिशन, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी चलो। अरे उसे नहीं बचाना, क्या कह रहे हो आप? बचाना है पर जल्दी चलो, उसका वो एक्चुअली सीरियस साउंड कर रहा था अपने आवाज से, जल्दी चलो भाई, चलो। आपको नींद में सपने आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जगह जगह में भी सपने देखते हो, स्मार्टी भाई जिंदा नहीं है, वो बहुत ज्यादा सीरियस था, माँ कसम मेरा, एक बार सुन लो, जल्दी से चलो, जल्दी से चलो। यार भाई कुछ भी बोलते हो भाई यार। ओके, मुझे इसका सही जवाब पता लग चुका है क्वीन जैस्मिन, इसका सही जवाब है न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सीडेंट की वजह से कौन पैदा हुआ था हमारे हिमलैंड के अंदर? नुबड़ा जी पैदा हुआ था। जो भी वो बंदा है देख रहा है, नुबड़ा जी पैदा हुआ था भाई। अभी ये दरवाजा नहीं खोल रहा है बंदा। व्हाट? साड़ो मरने वाले है भाई, खुल गया। अरे जल्दी भाग यहां से। ओ माय गॉड, पूरा मरते बचे मैं और तू, सच्ची में। ओ भाई साहब, अब हम लोग कहां पर आ चुके हैं भाई, ये क्या हो रहा है? तू अपना आर्मर पहन ले प्लीज, यहां पर कोई मारा मारी के लिए आ जाएगा भाई, उसी वक्त कहां पर हम लोग फंस गए भाई, बुरे तरीके से फंस गए भाई हम लोग यहाँ पर, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? क्वीन जैस्मिन, इस कमरे के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो करना है, तू एक काम कर, मुझे पहले पिकैक्स पकड़ा, एटलीस्ट पिकैक्स तो देख रख, मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खुदाई वगैरह करके रहूं। एक नो वे डूड, मैं यहाँ पे तोड़ नहीं पा रहा ब्लॉक कोई भी, तू तोड़ता रहे करी, तोड़ पा रही है? ट्राई कर एक बारी, नहीं तोड़ पा रही है। ओ शिट, हमें ना गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना है, यहाँ पे ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पे कैप्चर करेगा नहीं भाई। क्वीन जैस्मिन ढूंढ, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो कि हम लोगों को यहाँ पर कर। पिछड़े देख, अरे तेरी शील्ड कहाँ है? ओह माय गॉड, नो वेस्ट, ये असली नहीं है ये, क्योंकि नल्ला, ये नल्ला पाव है, ये उतना खतरनाक मुझे मार नहीं रहा। पीछे से हमला कर इसके ऊपर, जल्दी हमला कर इसके ऊपर, कोई जैस्मिन, कम ऑन। ओह माय गॉड, ओके क्वीन जैस्मिन, रुक, तेरी ऐसे के तैसे, नो 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 नो, क्वीन जैस्मिन कोई ना कोई ऐसा ब्लॉक जरूर होगा जिसके थ्रू हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसकी ऐसी की तैसी पकड़ है, अब बोल अब मारूंगा मैं इसको, ना शॉट ही नहीं बज रहे भाई। ब्रो गाइस ये दिस इज रॉन्ग यार, ये जो भी बंदा है ना, इसने इतने छोटे से कमरे के अंदर हमारे को किलविस के क्लोन के साथ बंद किया हुआ यार, हालांकि फेक है बट स्टिल डर तो लगता है ना भाई। ओ माय गॉड, इसको पता है कि किस बंदे ने मुझे वन शॉट किया था उस टाइम पे? नो वेस्ट ओके, ढूंढती रह, कोई ना कोई ब्लॉक तुझे जरूर मिलेगा। कम ऑन, आ जाना बेटे, उसको क्या मार रहा है लड़की को, आजा। गाइस ओके, क्वीन जैस्मिन मेरे पास ना बहुत ही कम ब्लॉक्स यहाँ पे, ठीक है ना, तेरे को अभी यहाँ पे मेरी मदद करनी है, कम ऑन, तू यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ब्लॉक जरूर ढूंढ सकते है जो यहाँ पर फेक होगा। नो, जल्दी ढूंढ, अरे तेरे को कुछ नहीं मिला, कुछ ढूंढना पड़ेगा तेरे को, कुछ ना कुछ तेरे को ढूंढना जरूर पड़ेगा, मैं जाने वाला हूँ अभी यहाँ पे। कमर डूड, ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसको ना पत्थर लगाएगा, अब बोल पत्थर तोड़, अगली साल तक टूटेगा तेरा। ओ माय गॉड, मिल गया, तू छलांग मार दे, मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना, मैं बाहर आ जाऊंगा। कमर, मैं कूद गई, शाबाश, बहुत ज्यादा बढ़िया, मैं यहाँ पे खाना, मैंने यहाँ पे तगड़े वाले ब्लॉक लगाऊंगा, तू तोड़ बेटा इसको, आजा, कमर, yeah let's do it भाई, तोड़ ना। अरे भाई जान नहीं बची का, तेरे अंदर फेक किलवेश है तू।
इसीलिए तेरे ना जान नहीं है, तोड़ इसको, तू आ जा बेटे, तू तोड़ इन ब्लॉक्स को, मुझे भागना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं, मार दे जलांग बेटे, मार जलांग। कहां है तू क्वीन जैस्मिन, कहां है तू? हेलो, जल्दी बोल, कहां है तू? अरे जल्दी बता दे भाई, ये बंदी पीछे देखो कहां। ओह बुझेगी, मैं आ रहा हूं। बोल फेक किलविश पकौड़े। माय गॉड, मैं मरने वाला था भाई अभी यहां पे। क्वीन जैस्मिन पानी डाल जल्दी जल्दी, और अभी और इसी वक्त मैं और तू धमाल मचा देने वाले हैं। लेट्स गो, शाबाश। ये बंदा हमें रोक ही नहीं सकता भाई, फेक किलविश दिखा के क्या डरा रहा है पकौड़े तू? मुझे पता है, मुझे अभी भी तू देख रहा है कहीं से। अब बोल, यहाँ है हम, यहाँ देख, कहाँ है तू अभी, कहाँ से देख रहा है? पकौड़ा कहीं का बड़ा भारी आया, आजा साइड होकर निकलता जा। क्वीन जैस्मिन अभी मेरे को तेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है ब्रो, आजा कमॉन। ऑलराइट गाइस, तो मैं ना अभी यहाँ पर क्वीन जैस्मिन से बात कर रहा हूँ, और हम दोनों बस यही प्लान करने की ट्राई कर रहे थे कि हम लोग किस हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इस बंदे के साथ फाइट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से गाइस हमारे ऊपर अभी भी नजर रखे होगा, मेरी गारंटी की बात है। तो मैं और क्वीन जैस्मिन यहाँ पर जस्ट एक ही चीज डिस्कस कर रहे थे कि भाई इस बंदे को अपने मुंह के सामने लेकर आए कैसे। इसका ये महल इतना ज्यादा बड़ा है, लाइक इसने इसको एज अ ब्रिज फॉर्म पे बनाया हुआ है। तो हम लोगों को गाइस क्या करना है, किसी भी तरीके से इस बंदे को बस मुंह के सामने लेकर आना है मारने के लिए भैया। बट वहीं पे हमारी ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि उसको सामने लेकर आए कैसे भाई। क्वीन जैस्मिन तो कोई इतनी देर से कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है यहाँ पे, मुझे तब से लेकर डॉगी की आवाज सुनाई दे रही है भाई। कहाँ से आ रही, ढूंढ तेरा, यहाँ से अंदर तो नहीं है। देखो कितना ज्यादा कर रहा है भाव भाव लगा है कंटिन्यू करने। अरे भाई ये कुत्ता कुछ ज्यादा ही आवाजें निकाल रहा है। स्मार्टी यहाँ से आ रही, आवाजों को मैं आ रहा हूँ। क्वीन जैस्मिन आई एम कमिंग, ओके। कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही मुझे बताओ, आ रही श्योर पक्का वहीं से आ रही है? खुद खुद उसको एक बार इधर आ जाओ। हाँ यहीं से आ रही, बहुत ज्यादा आ रही ब्रो, मेरे को आवाज यहाँ पे। What? What? इधर जल्दी है, जल्दी है, जल्दी आ, यहाँ पे देख इसको। अरे मुंडी को मारे, कितना क्यूट है ये, काले कलर का, कितना सारा क्यूट है। वेट अ सेकंड, रुक जा, अब इसको खोलियो मत, इसको खोलियो मत। ये एक इल्यूजन वाला वर्ल्ड है भाई, पता चले कि कुत्ता कुत्ता नहीं है, एक राक्षस है जो कि इल्यूजन में यहाँ पर कुत्ता हम लोगों को दिखा। ओके, हो सकता है कि उस बंदे के एक और गेम हो, ये है कि नहीं है क्वीन जैस्मिन? हो सकता है कि उस बंदे ने कोई और गेम हमारे साथ खेली हो यहाँ पर इस कुत्ते के रूप में। मना कर रहा है ये कुत्ता, व्हाट? नो 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 नो, कुत्ता मना कर रहा है। ये देखो इसको भाई सामने, ये क्या सीन है? कुत्ते तू हमारे साथ स्कैम कर रहा है ना, सच बोलियो, स्कैम कर रहा है ना? ये मना कर रहा है, नहीं मैं नहीं खोदूंगा, मत खोदियो, मत खोदियो, मत खोदियो प्लीज। क्या करे बता मेरे को, जल्दी बता, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है यार। नॉट इवन जोकिंग, वेट मैं तेरे को खोदने वाला, ठीक है ना कुत्तू, खोदू पक्का? यार क्या कर रहा है यार, ये बहुत अजीब है, ये बहुत ट्रिपी है, दिस इज नॉट पॉसिबल ब्रो। ओह माय, एक तो हम लोग इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आजा बाहर आजा। ओह माय गॉड, हमला मत करियो प्लीज। ये हमला कर रहा है, क्या कर रहा है ये, है? ओके भाई, कंटिन्यूसली भाव भाव तो एक ही है, मेरे हाथ में तलवार है ये, अरे मेरे घूम रहा है मेरे, ये कितना क्यूट है। ओह माय गॉड, मुझे ना एक्चुअली अपना, मैंने ये ऊपर करके रखने वाला, कहीं गलती से अगर इसने मेरे पे हमला कर दिया ना भाई, तो यहाँ पे दिख, एक सेकंड रुको, ये क्या है भाई ये कुत्ता? अरे इस कुत्ते ने भाई सामान उठा दिया, व्हाट द हेल इज दिस? क्वीन जैस्मिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब, देखो कितना क्यूट है यार ये, रुक जा रहा है एक बार, ये रुक जा रहा, मैं इसको एक बार यहाँ पे ना लावा। पार्कौर! ओके गाइस, ये नॉर्मल डॉगी तो नहीं है, ये चीज की मैं गारंटी तुम लोगों को दे सकते हैं, नॉर्मल डॉगी तो हो नहीं सकता है, बिकॉज नॉर्मल डॉगीज ऐसी हरकतें तो नहीं करते हैं। ओके, ये बंदा ना या तो फिर कोई असुर है एक्चुअली में, या तो फिर ये कोई सही बंदा। एक सेकंड हो गया, थोड़ा आगे चल जा रहा, थोड़ा खुले में आ भाई, इसको टेस्ट करना पड़ेगा गाइस। आ जा भाई इस इलाके में आ जा। अरे भाई मेरे, ये क्या है ये? आ जा भाई क्वीन जैस्मिन, दो फुद्दू आगे फिर से लड़ने के लिए मार। Oh my God! Are you serious, dude? Oh, ये कुत्ता वहाँ पे ब्लॉक्स लगा रहे हैं। Bro, मैं लडूंगा नहीं इससे। Oh my God, that was a very cool move, यार कितना awesome है ये, कुत्ता कितना awesome है ये। ये ब्लॉक्स लगा रहा है, इसकी मदद तो करनी बनती है। Okay, इसका पॉल्स वगैरह भी इसके पास। कुत्ते come on, तुझे प्रूफ करना पड़ेगा तू इनको मार सकता है। Come on, oh भाई ये बहुत awesome है, ये बहुत awesome है, ये डॉगी बहुत awesome है।
ब्रो ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। आजा तू मेरे से लड़ेगा तेरी पकड़। अरे क्वीन जैस्मिन कहाँ डर के भाग गई यार तू। आजा आजा क्वीन जैस्मिन मारेगा इसको, कुत्तू मार इसको। शाबाश यू कैन डू दिस भाई, यू कैन डू दिस भाई, मार इसको, इसकी ऐसी की तैसी। शाबाश मेरे डॉगू डॉगू, तू मार सकता है इनको। भाई ये बहुत ज्यादा ऑसम है, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है चीज देख के, बट ये कुत्ता ना मेरी मदद कर रहा है यहाँ पे। ये मर गया ये मर गया। कुत्ते मार इसको, मार इसकी पकौड़े, ऐसी की तैसी तेरी है। मारेगा इसको तू, और मारेगा इसको तू, बोल हैं तेरी ऐसी की तैसी, खा इसको खा इस। ए रुको ए रुको ए रुको, कहाँ छुपी हुई थी, कहाँ छुपी थी, कब से लेकर हम इसका वेट कर। रुक ओ ओ ओ कुत्ते रुक जा, डॉगी 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 रुक जा रुक जा रुक जा, डॉगी रुक जा, मर जाएगा बंदा, डॉगी रुक जा। अभी हम लोग इससे नहीं नहीं रुक जा, इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते। पकौड़े सुने यार, नहीं देखेगा बच्चे तेरी ऐसी की तैसी, मर जाएगा तू, समझा ना जो मैं बोल रहा हूँ। चुपचाप से खड़ा रहे एक जगह पे। तू अभी हम लोगों को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला है, पूरी की पूरी उस बंदे के लिए। अभी तू हम लोगों को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला है उस बंदे की जो इस जगह पे रहता है, जो इस पूरे के पूरे अजीब से वर्ल्ड को चलाता है। नहीं बोलेगा तो बेटे यहाँ देख ले, यहाँ देख ले, ये कर दूंगा तेरे साथ मैं, समझा ना। अभी तेरी जान चली जाएगी, तू कुछ कर भी नहीं पाएगा। यहाँ देख ऊपर, यहाँ देख ऊपर, एक बार इसको तोड़ दरा, इसको मैं थोड़ा डराता हूँ, तेरी ऐसी की तैसी काम नहीं करेगा तो ये होगा। देख ऊपर, देख ऊपर, देख ये देख ऊपर, ये कर दूंगा, समझा, करेगा ना, सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा, बता सब बता हमें, एक एक डिटेल जाननी है तुझसे। ऑल राइट गाइस, तो हमने बात कर दिया इस गार्ड से, और ये गार्ड हमें बता रहा है कि ये अभी हम लोगों को लेके जाने वाला है उस बंदे की लोकेशन पे। इसने बोला कि ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है वो बंदा, बट इसे हमें वार्न भी किया एक चीज के लिए कि भैया तुम लोग ऐसा मत सोच कर चलो कि वो जो बंदा वो हम लोगों को ऐसे ही मिल जाएगा और एकदम से हम लोग लाइक जाएंगे और सीधा उसको हम लोग मार देने वाले हैं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम लोगों को टाइम लगेगा, टाइम लगेगा भैया, पहली बात उसको ढूंढने में, एंड हो सकता है कि हमारे सामने ही ना आए। इसने बोला तो उसको अगर हम लोगों को मुंह के सामने लाना है तो इसने बोला है कि उसके ना घरों में आग लगा दो, उसको ये महल इतना ज़्यादा पसंद है कि अगर हम लोग इसके घरों में आग लगा देंगे ना भाई तो वो बंदा मरने वाला है, लाइक वो बंदा एकदम मर जाएगा रो रो के। तो दैट इज आवर प्लान, उसको मुंह के सामने लाने का। अभी वो पक्का हमको देख रहा होगा कहीं ना कहीं, देख रहा है, तू देखता रहा पकौड़े, तेरे को बताएंगे हम लोग, आ जाओ कम ऑन गाइस। ओ माय गॉड, ये है वो जगह, ये मतलब लोग, अरे भाई ये स्कैम करे, पकड़ इसकी ऐसी के, कुत्ता तो नीचे से निकल सकता, अब तू गया कुत्ते, मैं तेरे को पूरी परमिशन दे रहा हूं, मार इसको, मार दे इसको, अब तू मना करता है। अरे शाबाश क्वीन जैस्मिन, इसको छोड़ना नहीं भाई, अभी तेरी इसको चांस दिया। अरे कुत्ते को जला दे इसने, शाबाश जोगी, मार इसको, नीचे करो इसको, नीचे करो इसको, नीचे करो इसको, नीचे करो इसको, ऐसे की तैसे इसके ग्रास को नीचे, लेट्स गो। ओ माय गॉड, कहां गिरा ये, देखो नीचे, शाबाश मेरे दोस्त। ओए ओए डॉगी, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, मैं तो को बता रहा हूँ, मैंने तो को बचाया था वहां से, नीचे उतर, तू तू नीचे गिर के अगर मरा ना अभी तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा। एक सेकंड रुको, मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ, डॉगी क्या तू इसको उठाता है, लेट मी चेक वन टाइम। अरे भाई ये कैसे उठा पा रहे इसको, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ओ माई गॉड। ओके गाइज, अब देखो वो बंदे ने भागने की ट्राई तो करी, बट क्वीन जैस्मिन अब मुझे समझ में नहीं आ रही एक चीज, क्योंकि उसने भागने की कोशिश करी तो क्या उसने सच बोला था या उसने झूठ बोला था, आई हैव नो आइडिया ब्रो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज हूँ। एक काम करो, इन सारी की सारी जगहों को चेक अच्छे तरीके से, चेक करो, ठीक है ना, सारे के सारे घरों को चेक करो, अलग अलग घरों में जाओ सारे बंदे, चेक करो अच्छे तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ना कोई हिंट हम लोगों को डेफिनेटली मिलने वाली है। भाई यहाँ पे बहुत सारे घर, अगला जन्म लग जाएगा ये, क्या स्मार्टी मुझे दिखा कुछ, रुको मैं आ रहा हूँ, 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 कौन से वाले घर पे, जल्दी बताओ मेरे को क्या मिला है, कहाँ पे ये बंदी, कुत्ते बाहर निकल, अरे फंस गया क्या भाई, बाहर निकलना जल्दी आ, जल्दी आ, कहाँ पे, ओके मैं आ रहा हूँ, क्या दिखा, क्या दिखा इस घर के अंदर, वेट वेट क्वीन जैस्मिन, ओ माय गॉड। गाइस याद करो लास्ट एपिसोड जहां पर मैंने प्रिडिक्शन देखी थी, उस प्रिडिक्शन में क्या लिखा हुआ था, क्वीन जैस्मिन मुझे एक बात बता, तूने का उस बंदे को देखा अभी तक एक भी बार, लाइक वो जो बंदा हम पे नजर रखे हो जो इस जगह का वो राजा है, हैं क्या ये वही है, आर यू सीरियस, ये वही है, ओ माय गॉड गाइस, ये वही बंदा जो हम लोगों की प्रिडिक्शन में दिखा था, जिसमें लिखा था कि दिस गाय विल सेव हिमलैंड्स, एंड ये जो बंदा है ना, ओ माय गॉड। अब गाइस जो सारी की सारी स्टोरी है ना क्वीन जैस्मिन, मेरे दिमाग में जो अभी तक घूम रही थी, जो तूने बताया, जो इस बंदे ने बताया, वो सारी की सारी स्टोरी मेरे दिमाग में अब सेंस बना रही। भाई ये नीचे गिर जाएगा, कुत्ते प्लीज मरियो मत यार, बाहर आ जाओ यहाँ से एक बारी,
गाइस मैं तुम लोगों को बताने वाला ठीक है ना, कोई जैसे गौर से सुनियो। तूने मेरे को बताया कि जो बंदा इस वर्ल्ड को चला रहा है वो बंदा एक्चुअली में हमारे मेन हिमलैंड का एक बहुत तगड़ा वॉरियर था, राइट है ना? और वो बंदा यहाँ पर आके सब कुछ भूल चुका है। इसका मतलब आप समझे क्वीन जैस्मिन क्या होता है? हैं? ये नहीं समझी कैसे? क्या तुम लोग समझे इसका मतलब? मेरे दिमाग में ना आ चुका है भाई। देखो ये जो बंदा है ना अंदर, ये जो बंदा ना गाइस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ये बंदा हमारे हिमलैंड को सेव कर सकता है। और ये बंदा जब हिमलैंड से मरा था तो यहाँ पर स्पॉन हुआ, और ये बंदा एक्चुअली में भूल चुका है कि ये बंदा एक्चुअली में है कौन है, ये वॉरियर था हमारे हिमलैंड का। तो भैया हम इसको मार नहीं सकते हैं क्वीन जैस्मिन, इसको याद दिलाना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कि एक्चुअली में है कौन, इसको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा ताकि ये बंदा हमारे हिमलैंड को सेव करे। प्रिडिक्शन में जैसे तेरे को प्रिडिक्शन हुई थी ना कि स्मार्टी आ गया तेरे को बचाने के लिए, समझी, वैसे मुझे प्रिडिक्शन हुई कि ये बंदा हिमलैंड को सेव करेगा, यही हमारी टाइमलाइन को ठीक कर सकता है। ओ माय गॉड। पर गाइस हम लोग इसको याद कैसे दिलाएंगे भाई किसी की, लाइक इसके कान में जाके इसको कैसे याद दिलाएंगे हम लोग, मेरे को समझ नहीं आ रही। क्या लिख रहे नीचे स्मार्टी? अभी उस बंदे ने एक बात भी तो बता। यस एग्जैक्टली, उस गार्ड ने गाइस हम लोगों को ना स्कैम कर, लाइक भागने से पहले उसने एक और बात बताई थी हम लोगों को कि हो सकता है क्वीन जैस्मिन वो झूठ हो यार, वो भाग रहा था यार, हो सकता है झूठ बोला उसने, पर सच भी तो हो सकता है। उसने बोला गाइस यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में ऑलमोस्ट कितने 700 से 800 ब्लॉक दूर एक विलेज है जहाँ पर इसकी बेटी है। तुम लोग ये मान के चलो जब ये बंदा मरा था ना गाइस इसके ऊपर होता हमला, उसने हमको एक छोटी स्टोरी बताई थी उस गार्ड ने अभी कि इस बंदे के ऊपर ना मेन हिमलैंड के ऊपर हमला हुआ था इसके और इसकी फैमिली के ऊपर, और इसको और इसकी बेटी को मार दिया था, और वो दोनों के दोनों यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर स्पॉन हुए थे। एंड उसके बाद गाइज ये बंदा सब कुछ भूल गया और ये बंदा ईविल बन गया। ईविल कैसे बना ये स्टोरी तो उस गार्ड को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट उसने बताया कि ये अपनी बेटी तक को भूल गया गाइज। बट उसने जो हमको बात बताई गार्ड ने वो ये बताई कि एक्चुअली भूल चुका है, जो कि क्वीन जैस्मिन ने भी मुझे सेम चीज़ बताई थी। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये सच्ची बात हो। तो अगर हम लोग इस बंदे की बेटी को लेकर आ जाएं इसके सामने, हो सकता है इसको सब कुछ याद आ जाए। क्वीन जैस्मिन एक काम करो, आजा डॉगू, आजा क्वीन जैस्मिन, हम लोग चलते हैं ईस्ट डायरेक्शन में इसकी बेटी को लेकर आते हैं। भगवान से दुआ करता हूँ वो सच्ची बात है। कुत्ते एक काम कर, डॉगी डॉगी इधर ही रह, सुन तेरे को एक काम करना पड़ेगा, अगर तुझे बंदा दिखता है ठीक है ना इधर ही रहियो, उस पर नजर रखियो ठीक है ना भाई। तू बता तो नहीं सकता है बट तुझ पे मुझे यकीन है, पता नहीं क्यों तू इधर ही ठीक है ना, मैं और क्वीन जैस्मिन जा रहे हैं। अरे क्वीन उसकी छोटी सी बच्ची है भाई, तू ही उसको मना सकती, मैं तो क्या मेरी दरिंदे वाली शक्ल देख के वो डर जाएगी, तू प्यारी ऐसी है तो तेरी शक्ल देख के वो मान जाएगी। फटाफट चलते हैं, आजा फटाफट चल। गाइस मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है यहाँ पे इनको मारते हुए, लेकिन भैया खाना तो चाहिए होगा ना अपने को, क्या कर सकते हैं मैन। आ जाओ क्वीन जैस्मिन जी। ओह माय गॉड, आराम से चल, आराम से चल, आराम से चल। अगर वो यहाँ पर बच्ची है तो यहाँ पर कोई ना कोई उसका सेफ्टी वाला वो जरूर होगा कुछ भी। ओह माय गॉड, मैंने भी क्या देखा भाई, सूरज भी यहाँ पे अलग है यार। भाई ये बहुत गंदा वर्ल्ड है सच्ची में। सुन क्वीन जैस्मिन, अरे पर ढूंढ घर वगैरह, छान मार अच्छे तरीके से, एंड हम लोगों को मेक श्योर करना है कि यहाँ पर वो, ये देखो भाई, ये देखो छुटकू विले, ये तो नहीं उसकी बच्ची कहीं पे, नहीं ये तो विलेजर है, ये तो विलेजर है, ये तो नॉर्मल सा विलेजर, नहीं ये तो विलेजर का बच्चा है यहाँ पे। एक काम करो, अरे पर ढूंढ अच्छे तरीके से ठीक है ना, मैं अभी यहाँ पे ढूंढने वाला हूँ। ओ माय गॉड, वेट 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 वेट, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, जल्दी है जल्दी है क्वीन जैस्मिन, जल्दी आ। अरे कितना अजीब है ये, मुझे बच्चे दिखी वहाँ पे मम्मी के तरफ से, और इस बच्ची के पीछे ये भाग रहा है आयरन गोलम, आई थिंक इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कर रहा है। ओ ये बंदा मेक श्योर कर रहा है कि बच्ची यहाँ पे घर के अंदर जाए, ये ना हम लोगों को बच्ची को ऐसे लेने देगा। ओके सुन क्वीन जैस्मिन, अरे कहाँ है यार, कहाँ पे तू, अरे वहाँ पे क्या कर रही है, इतने को देख लेगा ये। सुन मेरी बात, इधर एक प्लान है मेरे पास, एक प्लान है मेरे पास, सुन मेरी बात, ये जो बच्ची है ना, बच्ची हमारे साथ चल पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर, तू उसको आराम से पटा सकते, अपना आर्मर उतार पहले, तो अपने सुंदर रूप में आ जा प्लीज मेरे आंखों के सामने, कम ऑन शर्मा मत, अरे फेंक नहीं मतलब अपने पार रख, कभी आयरन गोलम तेरे पीछे पड़ गया तब क्या करेगी, इसको पकड़ के रख हाथ में, हाँ ये फालतू का सामान फेंक दे, अपने पार रख ठीक है ना। अब तलवार हाथ से हटा, बच्ची से तू बात करेगी, इस आयरन गोलम को मैं अपने पीछे भगाऊंगा और मारूंगा भी इसको मैं ठीक है ना। ये क्या लेके घूमती है भाई, छी है मेरे को नीचे भाई, सुन ठीक है ना, मैं इसको अपने पीछे भगाऊंगा, उसके बाद तेरा काम होगा अंदर जाकर उस बच्ची को वहां से बाहर निकालना। कैसे भगाऊंगा, मुझे डर लग रहा है एक्चुअली में गाइस। अरे आयरन गोलम से क्या डर भाई, हजारों मारे इसकी मैं, इसकी आंख रुको, मैं जाकर हमला करने जाता हूँ ठीक है ना, मैं प्रेडेटर बन के जा रहा हूँ। ओ बच्चू रहता, इस बच्ची को मार देगा मैं, इस बच्ची को मैं मार देगा, मैं मारेगा इस बच्ची को, चल भाई ये कितने तीर लगा लिए इसे मेरे, ये बहुत पावरफुल है। ओके यस नाइस नाइस नाइस, जा शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं काम करूंगा, मैं आते ना थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा और ऊपर जाके इसको मार, आ!
भाई मेरे आयरन गोलम 3 ब्लॉक से ऊपर हाथ नहीं मार सकते, इसने मुझे 5 ब्लॉक से ऊपर हाथ मारा। व्हाट द हेल मैन, हारा मेरे पीछे आ रहा है, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आजा भाई आजा भाई, तेरा बेवकूफ मैंने बना दिया है, पर इसने मेरे हर्ट्स खा लिए थे अभी यहाँ पे सच्ची में। क्वीन जैस्मिन, मुझे नहीं पता तुझे मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही, बट अगर आ रही है तो कुछ लिख नीचे भाई, बच्ची तेरे हाथ पे आ गई कि नहीं आ गई। ओके ओके, क्या लिख रहे, बच्ची आई कि नहीं आई, ये बता ये मेरे को बाहर देखा, आ गई, शाबाश, बात कर इससे। मैं इसको बहुत दूर लेके जा रहा हूँ, मैं इस बंदे को बहुत दूर लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसके मैंने फटके मारे हुए अभी, ये इसकी हालत खराब हो चुकी है। शाबाश क्वीन जैस्मिन, तू कर सकती ब्रो, तू कर सकते, ठीक है ना, आजा 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 मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे, आजा आजा आजा। ओह हो भाई, मैं इसको मार दूंगा आराम से, आई एम नॉट इवन जोकिंग, आई थिंक आयरन गोलम की 20 हेल्थ होती है। आजा मार 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 मार, आजा, बहुत मारे तेरे जैसे पकौड़े, समझा ना, जिंदगी भर हमने यही किया है, मर गया तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब। मैंने कर दिया, क्या नाम है इसका, अपनी क्वीन जैस्मिन भैया, हेलो, आ जाओ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, आ रहा हूँ मैं, क्वीन जैस्मिन आ रहा हूँ मैं, प्लीज टेल मी कि भाई तूने कर दिया यार, तूने इस बच्ची से बात कर दे, भैया नहीं हूँ मैं, अच्छा ठीक है भाई, तू भैया नहीं है यार, कोई बात नहीं, क्वीन जैस्मिन प्लीज जस्ट टेल मी कहाँ पर हो आप, ये तो बताओ मुझे, भाई मेरी शक्लों की गाय दिख रही है भाई, और कोई नहीं दिख रहा है भाई, देखो विलेजर दिख रहा है अजीब अजीब से, किधर है ये बंदी, ओ मुझे दिखी, कहाँ है छोटी बच्ची कहाँ है, ये उसी की बच्ची, तूने से बात वगैरह करी क्या, उसी की बच्ची है नहीं है, यस यस, हेलो छोटू, हेलो, अरे मुझे डर रही है यार, अरे मेरी गंदी शक्ल, रुको मेरे को अपना आर्म उतारना पड़ेगा गाइस, मैं अपना आर्म उतारने वाला हूँ ना, तब जाके इसको थोड़ा लगेगा। हेलो, यहाँ देखो मैं भैया हूँ, मैं अच्छा भैया हूँ, ठीक है ना, अभी आपको हमारे साथ ये दो इस, ओके ठीक है मैं देता हूँ इसको, है ना, अभी आपको आपके पापा के पास चलना है, ठीक है ना, और आपके पापा के पास जाओ, जगह देखो पीछे देखो, वो देखो मैंने आपको रोज दिया, कैसा लगा, अच्छा लगा, चलो यस, थैंक यू, कितनी क्यूट है, चलो साथ चलो, ठीक है ना, हमारे अभी आपको हम आपके पापा के पास लेके जाएंगे, लेट्स गो भाई, क्वीन जैस्मिन तो बड़ी ऑसम है यार, कसम से पूरा का पूरा काम करवा दे इसने हमारा यार, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। अभी गाइस हमारा प्लान ये है कि जब इस बच्ची को देखेगा ना वो बंदा, इसका क्रूर पिताजी, जो कि एक्चुअली सब कुछ भूल चुका है, उस गार्ड ने हमको गाइस एक और बात बताई थी बाय द वे, वो ये थी कि इस बच्ची को पंच तक मारा उस बंदे ने यहाँ पर छोड़ने के लिए, यानी कोई इतना सारा भूल गया एक्चुअली में, एंड भाई वो देखो ऊपर अभी वहां पे कैसा अजीब लग रहा है, बट पानी के बीच से मुझे दिख रहा है, व्हाट, ये देखो वहां पे पानी के बीच ऐसे दिख रहा है, एक्चुअली मेरी शक्ल बनी भाई सूरज में भी, ओ माय गॉड। हाँ तो प्लान गाइस ये है कि इस बच्ची को ना हम लोग उसके पापा के सामने लेकर जाएंगे, उसको पक्का याद आ जाएगा फिर, बट सपोज करो कि वो उसके सामने उसको याद नहीं आया इसको लेकर भी, ठीक है ना, तो गाइस उसके लिए मैं और क्वीन जैस्मिन एक बहुत ही खतरनाक स्टेप उठाने वाला, फिर हमारी गलती नहीं होगी भाई यार, ये खरगोश भी मेरी तरह दिख रहे हैं यार, और वो स्टेप होगा गाइस एक ऐसा मंजर क्रिएट करना जिससे उस बंदे का दिल दहक जाए, बच्ची की जान को खतरा हो सकता है बट इसको मरने नहीं देंगे हम लोग किसी भी तरीके से, लाइक एक बहुत ओपी प्लान है मेरे और क्वीन जैस्मिन के दिमाग में, वो खतरे वाला होगा बहुत ज्यादा बट वो चीज करनी ही पड़ेगी गाइस किसी भी हालत में। आ जाए क्वीन जैस्मिन, फटाफट चलते हैं वहां पे। ऑल राइट गाइस, तो गाइस हम लोग यहाँ पर दोबारा से वापस पहुंच चुके हैं, क्वीन जैस्मिन को मैंने एक ऐसी जगह पर रखा हुआ है ना, मतलब उसको मैंने बैकअप प्लान के लिए रखा हुआ अभी यहाँ पे, क्वीन जैस्मिन को साफ साफ उसको मैंने बोला हुआ है कि भाई तेरे को अभी सिर्फ एक काम करना है, अगर सब कुछ यहाँ पे गलत हो जाए तो तेरे को इस बच्ची को बचाना है, उसको मैंने ऐसी जगह पर रखा हुआ है। गाइस अभी ये बच्ची यहाँ से हिलेगी नहीं, ये इसी स्पॉट पे खड़ी रहने वाली है, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी ये, क्योंकि मैंने उसको बोला हुआ है कि अगर तू यहाँ से हिली तो दिक्कत हो जाएगी, पापा आपको बचाने नहीं आएंगे, ठीक है ना, आपको यहीं पर खड़े रहना है, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा दूर जाएंगे गाइस और यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना गाइस। देखो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली अभी क्या करने वाले हैं। गाइस देखो अभी ना ये बच्ची को देखो, मुझे वहां से देख रहे, बहुत अजीब लग रहा है यार सच में यार भाई। अभी गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बच्ची का बेट बनाकर उस बंदे को यहाँ पे लेकर आना है। देखो अभी वो यहाँ पर आएगा नहीं, मुझे पूरा है कि ना अभी भी कहीं ना कहीं से मुझे देख रहा होगा बंदा, मेरी गारंटी है भैया इस चीज के लिए, हमको देख रहा होगा बट नीचे आएगा नहीं है बंदा अभी, ठीक है ना। तो गाइस हमारा प्लान ये है कि हम लोग ने यहाँ पे आग लगाने वाले हैं, उसको ये ऊपर का जितना भी इलाका है सारा बहुत ज़्यादा पसंद है, उस गार्ड ने बताया था, तो यहाँ पर मैंने फ्लिंट एंड स्टील बनाया हुआ है, अभी हर जगह पे जब मैं आग लगाऊंगा तो वो अंदर यहाँ पर डेफिनेटली आएगा फंगा करने के लिए, और उसको इस बच्ची के आसपास भगाऊंगा मैं। एंड गाइस अगर उसने बच्ची को देखकर उसको लाइक सब कुछ याद आ गया कि मेरी बेटी है, क्या क्या सीन है ऐसा वैसा, तो भाई बढ़िया हो जाएगा। अगर उसको गाइस याद नहीं आया ना तो भैया क्वीन जैस्मिन लिवर फ्लिक कर देगी, और लिवर फ्लिक करे मैं तुम लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना, और क्वीन जैस्मिन लिवर फ्लिक करेगी, बच्ची की जान खतरे में आ जाएगी, एंड फिर उसका पिताजी शायद उसको तब याद आ जाए, बट अगर तब भी उसको याद नहीं आया तो भाई क्वीन जैस्मिन उसको खुद बचा देगी, फिर इन दी एंड यही हो सकता है,
ठीक है गाइस, अभी और इस वक्त मैं यहाँ पे आग लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। हर जगह पे आग लगा, अरे खुद को आग नहीं लगानी स्मार्टी, क्या कर रहा, हर जगह पे आग लगाऊंगा। आजा आजा आजा, सारा का सारा तेरा घर तेरा बाहर सब जला दूंगा, सब जला दूंगा। आजा पकौड़े, तेरे अंदर हिम्मत है तो आजा लड़ मुझसे, तेरे को बता रहा हूँ मैं अभी सब जगह पे आग लगा दूंगा, ऐसी की तैसी इसकी। पकौड़ा कहीं का, हर जगह पे आग लगा, अरे लगनी रही आग, लग जा यार भाई, हर जगह पे जला। आ गया ब्रो, आ गया बंदा, यस लेट्स गो। ओके बच्ची के पास चल, कमान कमान कमान, क्वीन जैस्मिन को तू देख रही है, पता नहीं भाई देख तो तू रही होगी है ना, बस भाई। अरे भाई आ गया बंदा मुझे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गुस्सा है बेटा, आया गुस्सा, आया गुस्सा क्या, तेरे पूरे के पूरे घर को आग लगा दी भाई साहब, तेरे को ना मैं, तेरे को मैं और तेरे आंखों के सामने लगा। आजा बोल क्या करेगा, क्या करेगा, बोल बोल क्या करेगा। अच्छा मारेगा मेरे को, मार, ओ मेरा बेटा बेटा मार मेरे को, ओ माय गॉड मेरी हेल्थ नहीं है भाई, ये क्या मारता है बंदा, व्हाट द हेल मैन। एक बच्ची है वहां पे, तेरी बच्ची है, आजा भाई। इसको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई हैव नो आइडिया ब्रो, कम ऑन 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 कम ऑन, यहां देख यहां देख यहां देख यहां देख, हेलो हेलो, देखो पापा पापा आगे, सामने देखो, सामने देखो पापा है आपके, ये देखो सामने, ये भाई ये बच्ची को देख के इग्नोर कर रहा है, ये बच्ची को देख के इग्नोर कर रहा है, भाग 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 जल्दी भाग। ओ माय गॉड, हवा में उड़ गया ब्रो, इसने इग्नोर किया इस बच्ची को, आर यू सीरियस, ओ माय गॉड भाई साहब, इसको याद नहीं आ रहा इस बच्ची को देख के, ओ माय गॉड, मेरे को वो लीवर फ्लिक करवाना पड़ेगा गाइस, मुझे लीवर फ्लिक करवाना पड़ेगा, मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं करना नहीं चाहता हूँ भाई, प्लीज याद ले, याद ले ले, देख तो रहा है बच्ची को, ये देख तो रहा है बंदा बीच में बच्ची को, आई एम नॉट इवन, अरे भाई ये कितना गंदा मारता है बंदा, व्हाट द हेल मैन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड ब्रो, इसके पास बहुत तगड़ा, क्या है भाई, क्या खाता है, बाहुबली की ताकत है भाई इस बंदे के हाथ में, ओ माय गॉड यार, इसको याद नहीं आ रहा है गाइस, आई एम सॉरी, मुझे करना पड़ेगा, फ्लिक कर ले भाई, फ्लिक कर ले, कर दे यार जल्दी कर दे भाई, कुछ नहीं हो रहा गाइस, ये था यार इसकी जान खतरे में है, तू बस ध्यान दे उसका, ठीक है ना, मरनी नीचे बिल्कुल भी नहीं, ये बंदा क्या कर, अरबी भी हवा में उड़ रहा है, इसको दिखी नहीं बच्ची, रुको मैं इसको बच्ची के वाले के जाने वाला हूँ, नीचे देख बच्चूरा, नीचे देख जा रही है वो, नीचे मर जाएगी ये, अबे नीचे देख भाई, ये अंधा है ये बंदा, रात के 12 बजे चीखे मार रहा हूँ भाई मैं, क्या कर रहा है ये बंदा, खुद भी नीचे घुस गया था, देख नीचे, अबे नीचे देख भाई, इसको गाइस इधर ही लड़ाना पड़ेगा, इनफैक्ट मैं ना इसको अरे बरे हवा में यूं घुमाता रहूंगा, आजा आजा बेटे, आजा आजा आजा, उधर से आएगा, आजा आजा, नीचे देख बच्ची है तेरी, अरे भाई इसको दिख नहीं रहा है क्या, अरे भाई ये मुझे मारने के लिए इतना तीव्र हो रहा है यार, क्या बंदा है, क्या बंदा है ये, कैसा ही बंदा नहीं है ये, कैसा आदमी है भाई, नहीं देख तो रहा है बीच बीच में, पर इसको फर्क, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नॉट इवन गाइस, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नॉट इवन जोकिंग मैन, ये कैसा आदमी, नीचे देख ले भाई, एक और बार देख ले, एक और बार देख ले भाई, भगवान के लिए एक और बार नीचे देख ले प्लीज, प्लीज भाई प्लीज, ओ माय गॉड, देख रहा है देख रहा है, ओके प्लीज 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 प्लीज, जा 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 नीचे, जा नीचे इसको बचाने के लिए, जाना, अरे कुछ फर्क नहीं, मुझे मारने आ रहा है बंदा, मुझे मारने आ रहा है बंदा भाई साहब, अरे यार भाई ये बंदा ऐसे नहीं मानने वाला, क्वीन जैस्मिन तू ही बचा दे, बच्ची मर जाएगी यार, प्लीज बचा दे इसको तू, व्हाट व्हाट, प्लीज 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 प्लीज, इसको कुछ तो हो रहा है, चला गया इसको बचाने के लिए, बताओ, ओ माय गॉड ये चला गया इसको बचाने के लिए, क्वीन जैस्मिन जल्दी आ, पानी डाल अरे परे, पानी डाल हर जगह, पानी डाल हर जगह, पानी डाल प्लीज, ये बच्ची मर जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, ये बहुत नीचे खिसक चुकी है, बहुत ज्यादा नीचे खिसक चुकी है बंदी, कमन 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 कमन, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये मुझे दिख रहा है शायद से, मुझे दिख रहा है, ओ माय गॉड, पॉइंट डाल हर जगह पे ब्रो, हुआ क्या कुछ, नीचे देख इसको, आई थिंक इनका मिलन हो, ओ माय गॉड, पापा लिख रही है भाई, माँ कसम, आई एम नॉट इवन जोकिंग, इसको याद आ गया शायद से, ओ माय गॉड, इसको याद आ गया सब कुछ, आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन, पापा लिख रही है बार बार इसके लिए, आई मिस यू, लेट्स गो ब्रो, सर जी आपको याद आ चुका है क्या, आप कौन हो आप, हिम आजा बाहर आजा, प्लीज प्लीज डू दी ऑनर्स मैन, बाहर आइए आप दोनों, बाहर आइए बच्ची, आप भी बाहर आइए प्लीज, इसको लेकर आओ, माय नीचे लव वाला साइन लिख रही है, कितनी क्यूट है ये बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट है, बाय द वे कैसे लव वाला साइन होता है, कैसे स्माइली वाला साइन होता है ये, ओ माय गॉड, हेलो ये देखो भाई, माय गॉड ब्रो, अब मैं ना आपको एक बात बोलने वाला हूँ, आपको मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा, मैं ना हिमलैंड से ही आया हूँ, जहाँ से आप आए थे, ठीक है, मरने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा था, और पूरा का पूरा इल्यूजन वर्ल्ड आपने क्रिएट किया, देखो ऊपर ये जो शक्ल दिख रही है ये मेरी हुआ, रुको मैं इसको फूड देता हूँ बच्ची को, ले ले बेटा फूड ले जाओ, फूड ले जाओ, ठीक है ना, फूड ले जाओ, और अब आपको ना
मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। प्लीज ठीक है ना भाई, एक्सेप्ट करोगे ना इस चीज को, है ना? बस ठीक है, आपकी बच्ची हम लोगों ने आपसे मिला दी है, बल्कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, इसने किया सब कुछ, क्वीन जैस्मिन ने। ये है मेन बंदी जिसने इसको किया। थैंक यू सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है, आ जाओ। सुनो भाई मेरी बात सुनो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के, बहुत ज़्यादा गौर से। ऑल राइट गाइस, तो मेरी इन वॉरियर भाई से बात हो चुकी है, इन्होंने मुझे कुछ और ही बताया यार। बाय द वे मैंने इनको पूरी पूरी सिचुएशन बता दिया कि किस तरीके से मैंने वो प्रिडिक्शन वाला सीन देखा था। एंड गाइस तुम लोग देख रहे हो कि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में हिमलैंड को बचाने के लिए जा रहे थे, और क्या प्रिडिक्शन हुई थी, और मेरे मरने के बाद मैं उसी सेम वर्ल्ड में गया जहाँ पर वो बंदा था प्रिडिक्शन वाला। तो मैंने इनको बोला कि भाई आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, तो इन्होंने मुझे क्या बताया कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। अब ये बंदा इसी वर्ल्ड का हो चुका है, जिस तरीके से इसने इस वर्ल्ड को नरक बनाया था ना यहाँ पे इल्यूजन्स क्रिएट करके, उसी तरीके से गाइस अब ये अपनी बच्ची के साथ इस वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा औसम बनाने वाला है। ये तो अच्छी बात है भाई, पर वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि आप ये बंदा रीबर्थ लेगा, और ये बंदा रीबर्थ लेने के बाद हिमलैंड्स को बचाएगा। तो गाइस इसने उस बात के लिए मुझे मतलब कुछ ऐसा बताया जो सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। ये गाइस मुझे अभी एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाला है जहाँ पर ये कुछ तो करने वाले हैं। अभी इन्होंने बोला है मेरे को, इन्होंने मुझे इनफैक्ट एक और बात बोली है, वो काले कलर का कुत्ता का है उसको भी लेकर आना साथ में, वो डॉग ही पता नहीं आसपास ही होगा कहीं पे। भाई तो इसका पूरा पूरा घर जल गया है और कोई शौक नहीं उसको फिलहाल, क्योंकि इसका अब जो दिमाग है वो करप्ट नहीं है। तो इसने बोला घर जल गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये मुझे अभी कुछ तो मेरे साथ करने वाले हैं भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करने वाले हैं, बट लेट्स सी क्या क्या मतलब मैं कन्फ्यूज हूँ। इन्होंने बोला वे तेरी प्रिडिक्शन जो थी वो सब कुछ ठीक हो जाएगी, तू बस मेरे साथ चल। अब आई थिंक कि अपना कोई कलोन बना के मेरे साथ भेजेंगे या फिर पता नहीं क्या करेंगे भाई। लेट्स सी मैंने क्या करते हैं, कहाँ के भाई है डॉगी मेरे भाई, आई हैव नो आइडिया कि भाई अंदर क्या करने वाला है यहाँ से अंदर, बट मेरे को तो साथ जाना है। पता नहीं गाइस इसने क्या बोला भाई, चल आजा अंदर के लिए आजा भाई, कम ऑन डूड आजा अंदर आजा। अब्बा डॉगू दरवाजा करेंगे बंद, भाई क्या करना है मुझे बता जरा एक बारी, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या कर रहा है, ये कैसी मशीन है भाई, अजीब सी। यो What the hell, bro? Are you serious? Oh, no ways! Are you serious, dude? Oh my god! Oh my god! What the hell? भाई साहब ये क्या सीन था? ये क्या सीन था? हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इस बात के लिए। यहाँ पे देखो भाई ये क्या है? मेरे को इस बंदे ने चेंज कर दिया, पूरे तरीके से चेंज कर दिया इसने मेरे को। और भाई तू दोबारा से काले कुत्ते में कन्वर्ट क्यों हुआ, अपने असली रंग में आ जा एक बारी। ऑडियंस को मैं दिखाना चाहता हूँ गाइस, ये देखो यहाँ पे, ये एक्चुअली में होगलू था गाइस। मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, इसने बोला कि जब ये बंदा मरा था ना, ये भी अलग अलग वर्ल्ड्स के अंदर ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि ये बहुत बार मर चुका था, और फाइनली ये होगलू इस पर्टिकुलर इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर आ गया था। एंड गाइस वहां पर पता क्या हुआ था ना, कि इस होगलू को भी गाइस इसने पकड़ लिया था बंदे ने हमारे, एंड इसीलिए गाइस होगलू हमारा ना कुत्ते में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि ये एंटिटी है इसकी आवाज नहीं है, ये जिस आवाज में बात करता है वो हम लोगों को सुनाई नहीं देती है, और तुम लोग ये मान के चले चैट भी नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए क्या किया खुद को डॉगी में कन्वर्ट किया, ताकि एटलीस्ट भौ भौ करके सिग्नल तो दे सके इसको। इस बंदे ने उस पहाड़ वाली जेल के अंदर डाला था, और उसी तरीके से गाइस बेसिकली तुम लोग को पता है इस वर्ल्ड के अंदर क्या करता है, मैं तुम लोग को छोटा सा समझाता हूँ। बहुत सारे बंदे आते हैं अलग अलग टाइप की जेल्स में रखता है, ताकि और उन लोगों को अलग अलग पजल देता है, वहां से जो बाहर निकल गया उनको अपना कंपटीशन समझ के उनको मारता है। तो उसी तरीके से इसने इसको बंद किया था खोपचे वाली जगह पे, दैट्स व्हाई इसने खुद को कुत्ते में कन्वर्ट कर लिया था यार, ताकि खुद भौ भौ करके एटलीस्ट आवाज निकाल सके। एंड उसके बाद ये वरना अपने आपको डॉगी वाली फॉर्म से चेंज नहीं कर पा रहा था, एंड इसको दोबारा से रिस्टोर किया उस पावर को हमारे इस वॉरियर ने। तो भाई थैंक यू यार, एंड गाइस इसने अभी हम लोगों को बोला, अरे वो कहाँ गई हमारी बंदी जैस्मिन, जैस्मिन जी कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे कहाँ चली जाती हो यार, ये देख सामने, तू देख तो चली आई होगा अभी तक, चलो आ जाओ भाई हमें उस पोर्टल के पास लेके जाओ। इसने बोला गाइस हम लोगों को कि ये हम लोगों को अभी उस पोर्टल के पास लेके जाना वाला जहाँ से हम लोग वापस अपने हिमलैंड जाने वाले हैं। गाइस यार बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी, और इसका मतलब गाइस तुम लोग इसका मतलब समझे क्या है, इसका मतलब आई डोंट थिंक सो कि तुम लोग अभी तक इसका मतलब समझे हो भाई, तुम लोग इसका मतलब क्यों नहीं समझे अभी तक, यार मुझे समझ नहीं आ रही है। गाइस उस प्रिडिक्शन में क्या लिखा हुआ था, उस प्रिडिक्शन में लिखा हुआ था कि यू कैन नॉट सेव हिमलैंड, यानी कि मैं सेव नहीं कर सकता हूँ, बट इस बंदे की फोटो के साथ वहाँ पे लिखा हुआ था कि दिस गाय विल टेक रीबर्थ एंड विल सेव हिमलैंड्स। एंड गाइस रीबर्थ तो मैंने लिया है क्योंकि मैं रिस्पॉन हुआ हूँ, बट इस बंदे ने मुझे इन द एंड अपनी स्किन दे दी है, एंड इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने भी प्रिडिक्ट किया था फ्यूचर देख कर, उसने मेरी ही स्किन देखी थी, लाइक मुझे ही देखा था वहाँ पे उस बंदे ने। हिमलैंड्स को सेव करते भाई, ये बहुत
कंफ्यूजिंग है बट दिस इज ट्रूथ मैन. ओ माय गॉड, इस बंदे ने क्या है भाई इस वर्ल्ड का बना. सारे पेड़ ऊपर से छीले टकले कर दिए सारे के सारे पेड़. भैया इसने बोला है कि अब ये बंदा ना हिमलैंड्स को एकदम अच्छी जगह बना, इस वर्ल्ड को अच्छी जगह बनाएगा एंड हम लोग कभी भी इससे मिलने के लिए आ सकते. भाई तू मिलना मुलना छोड़, हम लोगों को बस अभी हिमलैंड लेके जा, मेरे दोस्त मेरा वेट करे ब्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार. ऑलराइट भाई कितना चलाएगा. ओ ओ भाई जाओ जाओ जाओ, कम ऑन मेरे होगलू, कम ऑन मेरे शेर, अब बारी आ चुकी है हिमलैंड को बचाने की. एंड बाय द वे गाइस, यस मुझे याद है, तुम लोग जाओ अंदर, मुझे याद है भाई. सुन ब्रो, उस प्रिडिक्शन में एक और चीज लिखी हुई थी, उस प्रिडिक्शन में लिखा हुआ था कि दिस गाय विल सेव, जिसकी स्किन मुझे मिल चुकी है हिमलैंड्स, विद हिज बेस्ट फ्रेंड. मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, मतलब मेरे बाकी दोस्तों मेरे बेस्ट फ्रेंड है ही है, बट ये होगलू भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि मेरे सारे के सारे बेस्ट फ्रेंड, ड्रीम बॉय एसजो के अलावा होगलू भी बेस्ट फ्रेंड था. तो मेरे साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड मिलके हिमलैंड्स को बचाएंगे भाई, दिस इज परफेक्ट. थैंक यू सो मच, तुझसे बहुत जल्द मिलेंगे. गुड बाय, सायोनारा.